हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो CSI या नेट लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के बारे में, कि जो एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं उनको पहले क्या करना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक यही है, आज का हमारा पूरा सेशन। हमने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो हमारा टॉपिक ही है कि व्हाट टू डू बिफोर द स्टार्ट CSI या नेट JRF लाइफ साइंस प्रिपरेशन। यदि आप सोचते हैं कि CSI या नेट JRF लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करें, तो इससे पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, उन कुछ चीज़ें हैं, कुछ 12 जो है पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, तो आपका जो ये प्रिपरेशन है का जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंड आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके जो CSI या नेट प्रिपरेशन है, आपका जो गोल है उसके लिए एक कदम है। तो आप एक कदम बढ़ाइए तभी आपका दूसरा कदम साथ देगा। अगर आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम नहीं उठेगा। जब हम चलते हैं तो एक कदम पहले हमें उठाना पड़ता है, तब दूसरा कदम उठता है। तो उसी तरह CSI या नेट JRF लाइफ साइंस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक कदम आप उठा लें, दूसरा कदम अपने आप उठने लगेगा। तो चलिए हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो डेज है उसमें मैं इसका रेगुलर एक डिटेल कोर्स, मतलब एवरीथिंग मैं चीजें कराऊंगी। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप यदि CSI या नेट JRF लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि आपको इस एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। आप इस एग्जाम के बारे में क्या जानना जरूरी है, तो जैसे कि CSI या नेट एग्जाम क्या होता है, ठीक है, CSI या नेट एग्जाम क्या होता है, ये कब कब होता है, इसका क्या पैटर्न है, किस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें मार्किंग टेक्निक क्या है, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी चीज आ जाता है किसमें, कि CSI या नेट JRF एग्जाम के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो उनके बारे में आप जानकारी लीजिए, आप उनके बारे में प्रॉपर जानिए कि ये एग्जाम क्या होता है, कैसे चीजें होती है, ठीक है। ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप से है। उसके बाद दूसरा है, ये आपका पहला कदम है। दूसरा क्या है कि जब आप CSI या नेट के बारे में जानते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ YouTube पर, वहां जाके आप देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है सिलेबस के बारे में। तो जब आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, राइट। तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी होती है, हर एग्जाम का एक लिमिट सेट होता है ना, लिमिट पता होना चाहिए। अगर लिमिट नहीं पता होगा तो चीजें, हम कुछ भी चीजें अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक सिलेबस लिमिट के लिए ही बनाया जाता है हर एग्जाम का। तो उस सिलेबस को आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए, आप उस सिलेबस को एक से दो बार उस सिलेबस को देखिए, पर ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, क्योंकि वो जो है प्रोबेबली जो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अपने BSc ग्रेजुएट एटलीस्ट होंगे, ठीक है, एंड जो भी ये एग्जाम देते हैं तो वो MSc पर्सुइंग होते हैं या फिर MSc पास आउट होते हैं या फिर PhD होते हैं, तो उसको सिलेबस नहीं समझ आए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने सिलेबस को समझाया हुआ है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। तो सबसे पहले सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए, उसको एक से दो बार पढ़िए क्या क्या चीजें सिलेबस में है आपके। उसके बाद सिलेबस आपने ले लिया, अब क्या करना है आपको कि आपने सिलेबस लिया, आप उस सिलेबस को जो उस सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो यूनिट्स दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ना कहाँ से, यानी कि रिसोर्सेस, आप रिसोर्सेस को फाइंड आउट कीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किसी के नोट से पढ़ना है, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, किसी पब्लिकेशन से पढ़ना है, मतलब आप जिससे पढ़ सकते हैं, जहां से पढ़ सकते हैं, जैसे भी पढ़ सकते हैं, यानी आपका जो रिसोर्सेस क्या होना चाहिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप उस रिसोर्सेस को फाइंड आउट कीजिए, या फिर किसी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रिसोर्सेस आपने कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो कैसे पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, जो सिलेबस है उसमें से कहाँ से आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं, तो वो आपको ये चीज करने से आपको मिलेगा। तो पिछले साल का जब आप 4-5 साल के PYQs के एनालिसिस करोगे ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीटेटिव मैनर में आ रहे हैं। जैसे कि हर यूनिट जो होता है, सिलेबस 13 यूनिट्स का है, जो हर यूनिट होता है ना, हर यूनिट में कुछ लिस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं। लिस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब क्या होता है,
लिस्ट टॉपिक का मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है कि वैसा टॉपिक है ना जो कि मतलब 5 to 10% चांसेस है कि वो आते हैं। मतलब जब आप साल में यदि दो बार एग्जाम होता है ना तो मतलब चौथे पांचवें बार के अटेम्प्ट में आपको जो है मतलब रख लीजिए कि चौथे या पांचवे बार जो आपका एग्जाम आएगा उसमें आएगा एक एक आध क्वेश्चंस, तो भी दो नंबर के मार्क्स में या एक नंबर के मार्क्स में, 4 नंबर का आ गया। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कैटेगरी में करे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, यानी वैसे टॉपिक जिससे कि हर साल फिक्स है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इस तरह का जो टॉपिक्स होता है ना उसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको ये लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको इसी पीवाईक्यूज के एनालिसिस से। तो आप पीवाईक्यूज को एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, ये आपको चीजें यहां से मिलेगा। अब आपके पास सिलेबस है, आपने रिसोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ से पढ़ना है, आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, आपको पता चल गया कि अच्छा कुछ जो चीजें हैं कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी चीजें पढ़नी है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, ये हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग होता है। कुछ काम करने वाले लोग होंगे, कुछ बिजनेस कर रहे होंगे वो भी इसका तैयारी करते हैं, कुछ अलग अलग फील्ड के लोग भी मतलब इस पे तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ पीएचडी होल्डर है वो भी तैयारी कर रहे होते हैं, कोई एमएससी परसुइंग है वो भी करना होता है, साथ में उसको एमएससी भी करना है, साथ में उसको तैयारी भी करना है, तो वो अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बनाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मतलब मैंने टाइम मैनेजमेंट का बात कहा तो आप लोग कॉपी करने में बैठ जाइएगा कि आप मतलब चले अब गूगल बा की तरफ या यूट्यूब चाची की तरफ और वहां पे जो है मतलब सर्च कर रहे हैं हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप अगर कहीं पे भी मतलब सर्च कर रहे हैं या रूटीन कैसे पढ़े ये सब, तो वो जिसने बनाया है ये उसके लिए है, आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि जो चीजें है ना मतलब आप अपना टाइम मैनेजमेंट अपने टाइम के अनुसार से, कब खाते हो ये तो लोगों को नहीं पता, कब सोते हो ये तो लोगों को नहीं पता, आपका जो टाइम आवर्स जो है वर्क आवर वो तो लोगों को नहीं पता, तो आपके अनुसार टाइम मैनेजमेंट कैसे कोई बना सकता है, बताइए बना सकता है, नहीं बना सकता। तो टाइम मैनेजमेंट खुद के अकॉर्डिंग होता है, ये आपको कोई बना के नहीं देता, ठीक है। आप ये टाइम मैनेजमेंट खुद बनाइए कि आपको कितने टाइम पढ़ना है, कितने आवर्स देना है, ये सब चीज आप बनाइए, ठीक है। बाकी जो क्लास का शेड्यूलिंग होता है, जब आप मेरे से पढ़ोगे तो जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग पर आपको क्लास करना होगा। नेक्स्ट आता है कि यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं तो आप खुद से चीजें कर सकते हैं, जैसे रिसोर्सेज में आप स्टैंडर्ड बुक प्रीफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक की भी मैंने कौन कौन से अच्छी बेस्ट बुक है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उस बुक्स के बारे में आपको डिस्कस करा हुआ है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जो सेल्फ प्रिपरेशन वाले हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नहीं जो क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें पता नहीं होता है कि सीएसआईआर की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, क्या करें नहीं करें, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। गाइडेंस आपका टीचर हो सकता है, आपका कॉलेज टीचर हो सकता है, ठीक है। आपका यदि बड़ा छोटा भाई बहन है तो वो हो सकता है, सॉरी छोटा भाई बहन तो नहीं, बड़ा भाई बहन अगर होगा तो वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके सीनियर्स हो सकते हैं तो आपको वो अच्छे प्रॉपर गाइड दे सकते हैं। हाँ वैसे सीनियर के पास मत जाइएगा कि जो जिनका खुद ही नहीं हुआ होगा और मतलब खुद ही टारगेट नहीं किया होगा और बोलेंगे अरे ये तो बहुत हार्ड होता है, तो सिलेबस देख के ही बोल देंगे वो हार्ड होता है। तो पॉजिटिव गाइडेंस के पास जाइएगा, नेगेटिव गाइडेंस के पास बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव पर्सन एंड नेगेटिव पर्सन का रोल जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिंदगी बनाना है तो पॉजिटिव पर्सन के पास जाइएगा, नेगेटिव के पास कभी मत जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि अपना जो टारगेट है उसको सेट करिए, आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया एग्जाम के बारे में। अब ये एग्जाम जो होता है ना वो होता है 6 मंथ में होता है और 12th मंथ में होता है, मतलब कहने का मतलब कि एक साल में दो बार होता है एग्जाम, एक जून में और दिसंबर में एग्जाम होता है। तो आप 6 महीने के लिए टारगेट कर रहे हैं या 12 महीने के लिए टारगेट कर रहे हैं, यदि आपका बेसिक्स बहुत ही क्लियर है, आप ब्राइट स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो आप 6 मंथ के लिए जाइए, ठीक है। यदि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप 12th मंथ की तैयारी टारगेट रखिए, जहाँ पे आप बेस्ट करेंगे तो आप 12th मंथ के लिए जाइए। तो अपना टारगेट सेट कीजिए, आपको 6 महीने में करना है या 12 महीने में करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जिनका बेसिक्स क्लियर है वो एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि जो सीएसआईआर नेट एग्जाम होता है वो बहुत इजी भी नहीं होता है, एक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट को वो रखता है और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस अराइज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यदि आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, आप एडवांस लेवल का वो अगर स्टैंडर्ड बुक को प्रीफर करेंगे, कोई एजुकेटर पढ़ाएगा तो उसको इजीली समझ आ जाएगा। ये हुए इंटरमीडिएट स्टूडेंट कौन होते हैं, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा तो है, 11th 12th मान लो पढ़ा है, बीएससी पढ़ा हुआ है, पीजी पढ़ा हुआ है, बट क्या है ना कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो भूल जाता है। तो लेकिन ये क्या है कि मैंने अगर बोला कि आपने जीपीसीआर के बारे में सुना है तो उसको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने कहीं तो पढ़ा है जीपीसीआर,
सॉरी जीपीसीआर कहीं तो पढ़ा है मैंने। उसके बाद मैंने जैसे बोला सेल सिग्नलिंग की चीजें हैं जीपीसीआर, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि बायोकेमिस्ट्री के पीएच पढ़ा है या नहीं, मतलब पीएच के बारे में जैसे कुछ टॉपिक समझा रही हूँ तो उसको याद आ जा रहा है कि नहीं इससे रिलेटेड मैंने कुछ तो पढ़ा है। तो ऐसा स्टूडेंट क्या होता है कि अगर एक बार फिर से वो चीजें देख लेगा तो फिर वो प्रो हो जाता है। एंड ऐसे स्टूडेंट भी क्या होता है वो एडवांस लेवल कंसेप्ट को इजिली हार्ड वर्किंग करके वो मैनेज कर सकता है। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं वो आप सीएसआई नेट के लिए तैयारी में आ सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट इसकी बेसिक्स बिल्कुल बत्ते गुल है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप बेसिक्स को क्लियर करें, देन यू गो फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन, ठीक है। और मैं जब पढ़ाऊँ, मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैं कोशिश करूंगी जो जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो उसको बेसिक्स से एडवांस लेवल पे डील करूँ, ताकि जो आपका भूला भटका टॉपिक है वो भी क्लियर आपका होता चले साथ में, ठीक है। तो जो सिलेबस है ना वो 13 यूनिट्स का है। नेक्स्ट जो बातें आती है ये 13 यूनिट्स का है और अपने आप में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। अब बात आती है कि जो 13 यूनिट्स हैं और आपको यदि 6 महीने के लिए टारगेट करते हैं तो कैसे यूनिट को सेलेक्ट करें, या 12 महीने के लिए आप कर रहे हैं तो यू हैव अ सफिशियंट टाइम, ठीक है। तो आप अगर 1 महीने में 1 यूनिट को भी देंगे ना तो भी 12 यूनिट आपका प्रिपेयर हो जाएगा 1 साल में, ठीक है, विद BYQs, राइट। लेकिन यदि आप 6 महीने के लिए टारगेट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत और लगाना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि आपके पास यूनिट 13 है एंड आपको 6 महीने में करना, यानी 6 महीने कंप्लीटली नहीं होता, 6 महीने में 1 महीने आप निकाल लो रिविजन के, यू हैव लेफ्ट ओनली 5 मंथ्स, 6ठा महीना तो एग्जाम ही हो जाता है ना, तो 5 महीने आप पढ़ते हो और 5 महीने में आपको जो क्लासेस होंगी वो आपको PYQs के साथ होंगी, तो आप कैसे इसको पढ़ोगे जो आप ये कंप्लीट करोगे। तो इसके लिए आप क्या करो कि एट ए टाइम जो है, मतलब एक बार में, यानी कि आप एक टारगेट करो कि 1 महीने में कम से कम 2 से 3 यूनिट को लेकर के चले और विद PYQ इसको कंप्लीट कर ले। मतलब 2 से 3 यूनिट का तैयारी किया हमने, पढ़ा और उसको PYQ पे अप्लाई करके इसको कंप्लीट करके रख लिया, फिर नेक्स्ट मंथ हम 3 यूनिट उठाएंगे इस तरीके से। यदि आप जो है इतना लोड नहीं ले सकते हैं तो मेरा सजेशन यही होता है कि आप इतना ज्यादा मतलब लोड ना लें और 1 महीने में सिर्फ 2 ही यूनिट को टारगेट करें, मतलब एट ए टाइम जो है 2 यूनिट को टारगेट करें 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में सिर्फ 2 यूनिट को टारगेट करें विद PYQs, ठीक है। PYQs को भी जो है आप सॉल्व करते जाएं, तो इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा, जो गेन किया है उस पे, उसको आप कितना इस पे अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी कि, और आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो रियली में अप्लाई हो रहा है एंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ जो है आप नेक्स्ट 2 यूनिट टारगेट करिएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आता है कि अब इतनी सारी चीजें पढ़ ली, लास्ट में एग्जाम के टाइम में क्या होता है ना कि अब हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, रेफरेंस बुक पढ़ लिया है, जो मतलब सेल्फ स्टडी करने वाले होंगे रेफरेंस बुक पढ़ा हुआ है, अब इतनी मोटी मोटी बुक्स है, ठीक है, कोई एजुकेटर से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एग्जाम के टाइम ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने 1 क्विंटल का पत्थर हमारे सर पर रख दिया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि अब इतनी सारी बुक्स एग्जाम के टाइम में हम डील नहीं कर सकते ना, रिवाइज नहीं कर सकते मोटी मोटी पोथी पढ़ मतलब रख करके। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एक शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनाइए। किस तरह का नोट होना चाहिए आपका, बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प नोट होना चाहिए, एकदम चकाचक नोट होना चाहिए, जो आप एकदम मतलब आप देखो ना तो आपके दिमाग में पॉइंट आउट हो जाए चीजें, ठीक है। जैसे आप जीन के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब कि कौन से जीन कहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से आप नोट्स शॉर्ट फॉर्म में बनाओ कि आप जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन करो ना तो एक बार आपको देखने के बाद आपका चीजें जो है वो माइंड में आ जाए। तो नोट्स ऐसे बनाने चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट तैयार करके रखें एग्जाम टाइम के एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद और इतनी सारी चीजें के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है कॉन्फिडेंस। यदि आप में कॉन्फिडेंस है देन यू कैन डू इट एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्डअप नहीं है और पा रहा है कॉन्फिडेंस, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगाइए, और ये आत्मविश्वास जो होता है ना ये कोई नहीं दे सकता, ये खुद
अपनी अंदर से आएगा। यदि आत्मविश्वास जो है आपके अंदर से आएगा, ठीक है, यदि आत्मविश्वास जो है, मैं हिंदी में तो नहीं लिखती हूँ पर आज लिख रही हूँ आत्मविश्वास, ठीक है, आई थिंक ऐसे लिखते हैं आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके अंदर खुद बिल्डअप होता है, ये कोई बाहर से बना के नहीं दे सकता, या जूस बना के कोई नहीं पिला सकता आपको। ये आप किसी के मोटिवेशन वीडियो से मोटिवेट हो सकते हैं, पर कितने टाइम के लिए? सिर्फ 24 आवर्स के लिए। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है। कैसे एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है? क्योंकि हमारे यहाँ मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, आई डोंट नो, वो मतलब एकदम काफी जोश में आए थे, एंड तभी किसी दिन इसके बारे में कहानी सुनाऊंगी। मेरा मकसद सिर्फ ये कहना था, ठीक है, कि जो मोटिवेशन होता है, कहीं पे मोटिवेशनल वीडियो देख लिए एकदम मतलब आग लगने लगा शरीर में कि अच्छा अब तो हम CSI या नेट को क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर आपके अंदर का मोटिवेशन नहीं, आपने किसी वीडियो को देख करके किया, तो ये मोटिवेशन आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए मोटिवेट करेगा। आप खाना पीना खाए, सोए, बस सुबह गायब, बस ये मोटिवेशन होता है आपका अगर किसी से देखते हैं। बट आपके अंदर का यदि मोटिवेशन होता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो ये मोटिवेशन आपको जिंदगी भर के लिए होता है। ये एक छुआछुई वाला नहीं होता है, जो वीडियो देख के मोटिवेशन आता है वो छुआछुई वाला होता है, ठीक है, छुई हुई होता है, मतलब कब चला जाए पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ पॉजिटिव सोच रखिए, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। आपको ये CSIR नेट जो है कि यूज सिलेबस से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप पॉजिटिव सोचिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। उसके बाद लाइफ को चिल मार के जिए। लाइफ को चिल मार के जीने का मतलब क्या है कि आपका जो फेस है ना, हमेशा ऐसा होना चाहिए, देख लो फेस ऐसा है या नहीं है, नहीं है तो ऐसा बना लो, वरना जिंदगी बहुत भारी हो जाएगी। हाँ, ये देखो एकदम ऐसे चकाचक जीना है, ठीक है, इस तरीके का फेस एकदम मस्त वाला होना चाहिए, हमेशा हंसते रहो, ही, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ऐसा ऐसा फेस होगा ना, तो एक तो जिंदगी ऐसे ही बोरिंग लग रही है और बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। जिंदगी ऐसे ही बोरिंग होती है, किसी की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं होती है, जिंदगी को अच्छा बनाना होता है, ठीक है, वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। यदि आप इस तरह से रहने वाले पर्सन हैं, तो आपकी मतलब जिंदगी तो ऐसे ही नाकाम चल रही है, जो प्रिपरेशन करने आए वो भी डबाडोल हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ऐसे रहे, चाहे कोई भी काम करे ऐसे खुश होकर के करे। जब आप खुश रहते हैं, खुश रहेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, स्वस्थ रहेंगे, दिमाग में अच्छी चीजें आएगी, दिमाग में अच्छी चीजें आएगी तो आप जो सोचा है उसके करने के लिए आप हमेशा रेडी रहोगे, ठीक है। ये समझ लीजिए, जीत तो वही है जो रिस्क उठाता है, जो रिस्क कभी उठाता नहीं है वो कभी सीखता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और आप लोग इसको 2x के स्पीड में, आप जिस स्पीड की x के स्पीड में चलाना चाहते हैं उस स्पीड में चला करके आप इस वीडियो को देखिएगा। और उम्मीद करती हूँ बच्चे की आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपका कमेंट पढ़ के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर क्या कर सकती हूँ, ठीक है, वो मैं सोचूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।